दोस्तों, भारत अब इतना विकसित हो गया है कि अब भारत स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए अपने सीमा की चप्पे चप्पे पर नजर रखता है। पिछले सालों में यह काफी ज्यादा देखने और सुनने को मिला है कि भारत अपने सीमा पर घुसपैठ तस्करी जैसे वारदात को रोकने के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर रहा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इससे पहले भारत अपनी सीमा की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरी दुनिया जब अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती थी, तब भारत सिर्फ अपनी सेनाओं पर ही निर्भर रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सीमा पर भी कर रहा है। ड्रोन्स या सैटेलाइट जमीन से हवा और पानी तक भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए काफी हाईटेक और एडवांस होता जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी स्पेशल फोर्सेस हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सातों दिन तैनात रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका यह जानना काफी जरूरी है कि आखिर भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया कितना और किन किन देशों से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारत की सीमा 6 देशों से लगी हुई है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। इसमें सबसे लंबा बॉर्डर चीन पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। जी हाँ, हमारे भारत का सबसे लंबा बॉर्डर पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का है, जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और बांग्लादेश जैसे राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के बाद भारत दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ साझा करता है। इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगा है। इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर दूर तक फैला है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों की सीमा से जुड़ता है। वहीं भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। वहीं भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से लगा है। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए कि हमारा देश भारत 6 देशों से सीमा साझा करता है, तो ऐसे में भारत पर अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कितना प्रेशर होता होगा। वो भी तब जब एक तरफ पाकिस्तान ड्रग्स और हथियारों की खेप भारत भेजने के लिए ताक पर बैठा रहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। वहीं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से भी मुसीबतें कम नहीं है। इसलिए भारत जिस तरह अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए 24 घंटे सातों दिन तैनात रहता है, वो जानना पूरे भारतवासियों के लिए जरूरी है। यूं तो भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, देश की रक्षा जमीन, हवा और पानी से बखूबी करती है, लेकिन इनके अलावा भी देश में कुछ स्पेशल फोर्सेस हैं जो देश की सुरक्षा करने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तैयार रहते हैं। इन स्पेशल फोर्सेस के आगे अच्छे अच्छे दुश्मन भी अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के इन कमांडोज के बारे में। कोबरा कमांडो, यह भारत की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। इन्हें भेष बदल कर दुश्मन पर हमला करने की महारत हासिल होती है। वहीं कोबरा कमांडो दुनिया के बेस्ट पारा फोर्सेस में से भी एक है। इसके लिए इन्हें खास तरह की गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, यानी यह घात लगाकर अपने दुश्मनों को मारने में एक्सपर्ट होते हैं। मार्कोस कमांडो, मार्कोस कमांडो को भारत के सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक माना जाता है। ये भारतीय नौसेना का एक विशेष बल है। इसे मार्कोस या समुद्रिक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। यह आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। साथ ही यह जमीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी अहम भूमिका थी। लेकिन आपको बता दूं कि मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं होता, क्योंकि 1000 सैनिकों में से एक सैनिक ही मार्कोस कमांडो बनता है। साथ ही इन्हें 3 साल की मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जो अमेरिका के नेवी सील की ट्रेनिंग जैसी ही होती है। गरुड़ फोर्स, भारत के सबसे हुकार कमांडो में गरुड़ कमांडो का भी नाम लिया जाता है। खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के ये कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये बिना कुछ खाए हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। आज के समय में गरुड़ कमांडो की सबसे ज्यादा तैनाती जम्मू और कश्मीर में होती है, क्योंकि अब घाटी में सेना एयरफोर्स कमांडो के साथ मिलकर अपने ज्वाइंट एक्शन को और तेज कर रही है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग गरुड़ कमांडो का है। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है।
गरुड़ कमांडो और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी ऑपरेट कर चुकी है। इन सब के अलावा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, पैरा कमांडो, स्वायत्त कमांडो, CISF कमांडो, घातक कमांडो और NSG कमांडो जैसे कई ऐसे स्पेशल फोर्सेस हैं जो हमेशा अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। अब बात उन तकनीक और टेक्नोलॉजी की करते हैं जिनके जरिए भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिन पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में अपने सीमा पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। यह एक ऐसा बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे सीमा की सुरक्षा करने के लिए भारतीय सेना को गश्त लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक स्मार्ट बार होता है जो एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी घुसपैठ की सिचुएशन में रडार से इंफॉर्मेशन जवानों तक पहुंच जाती है। CIBMS में सेंसर और कैमरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया है। यह कैमरा और सेंसर सिस्टम हर मौसम 24 घंटे सातों दिन अच्छे से काम करते हैं। सीमा के जिस क्षेत्र में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वह पूरे इलाके को डेटा नेटवर्क पर बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम OFC केबल, DMR कम्युनिकेशन, दिन और रात निगरानी करने वाले कैमरों और घुसपैठ का पता लगाने वाली तकनीक के जरिए कवर किया जा चुका है। यह तकनीक इतनी एडवांस है कि सीमा पर छोटी सी भी हलचल की जानकारी यह डायरेक्ट BSF के जवानों को दे देती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बॉर्डर की सुरक्षा में लगे जवानों की जान जाने का खतरा कम हो जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं के साथ साथ भारत के साथ लगती तीन देश नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए CIBMS का इस्तेमाल सीमा पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। शायद आपको मालूम ना हो कि इन देशों के साथ भारत के सीमा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां बड़े बड़े नदी, नाले और पहाड़ हैं। ऐसे स्थिति में वहां सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार ने इस CIBMS तकनीक को ऐसे इलाके में लगाने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तो इस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की सीमा पर इस तकनीक को पूरी तरह से लगा दिया गया है। CIBMS की बात करें तो यह इजरायली तकनीक पर बेस्ड है। उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक चीन से लगी सीमाओं पर ड्रोन से लेकर रडार और सैटेलाइट की मदद से चीनी सेना की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। बड़े विशेषज्ञों की माने तो भारत हेरॉन ड्रोन P-81 और लॉन्ग रेंज ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए जमीन से लेकर आसमान तक नजर रख रहा है। आपको बता दें कि इस सिक्योरिटी सिस्टम के कई गैजेट्स भी लगाए गए हैं, जैसे नाइट विजन डिवाइस, ड्रोन, थर्मल इमेजर, लॉन्ग रेंज PTZ कैमरा शामिल है। दोस्तों, टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की बात तो हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की। इसके तहत भारत ने एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी की है जो सरहद पर रची जा रही हर साजिश का पर्दाफाश कर देगी। इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क को तैयार किया गया है जिसे देश के 16,000 गांवों को जोड़ा गया है। दरअसल इन गांवों में जासूसों की एक पूरी टीम तैयार की गई है जो बॉर्डर की 10 किलोमीटर के अंदर हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात की गई इस नई तकनीक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।